गायत्री किचन। आज हमारा किचन में इडली बीट कैसे बनाएंगे देखने का और डोसा कैसे बना के देखेंगे, इसके बारे में क्या क्या सामान चाहिए सब पूरा वीडियो स्किप मत करने का, पूरा वीडियो में अच्छा देखेंगे, आपको मालूम पड़ती है कैसे इडली का पीठ और डोसा का पीठ बनाने के लिए, डोसा कैसे बनाने के लिए। थैंक यू। वेलकम टू गायत्री किचन। आज हमारा किचन में इडली डोसा पीठ बनाने वाली है, उसके बारे में क्या क्या सामान चाहिए देखेंगे। ये रेशन अरसी में आज कैसे बनाने का पीठ मैं आपको सिखाते हूँ। और देखो ये रेशन का चावल है, रेशन का चावल है, इसमें 5 ग्लास लेने का। ये 5 ग्लास राइस, ये उरड़ दाल है ना, टुकड़ा वाला नहीं लेने का, ऐसा अक्का वाला देखेंगे। कभी भी उरड़ दाल लिया तो टुकड़ा वाला मत लो, क्योंकि वो पीठ ज़्यादा नहीं मिलते, इसलिए अक्का वाला लेने का, ऐसा अच्छा वाला उरड़ दाल लेने का। 1 ग्लास उरड़ दाल है और इसमें पानी में डाल के 6 घंटा रखने का। इसमें अच्छा से सॉफ्ट करके रखने का। देखिए अभी साफ किया मैंने, ये उरड़ दाल भी साफ किया था, इसमें ढक्कन डाल के 6 घंटा रखने का। फ्रेंड्स अभी देखो, सब लोग को बोल रही है अब साउथ वाली बनाए तो इडली सॉफ्ट आती है, टेस्ट अच्छा बोल रही है वो। क्यों टेस्ट आ रही है आपको पता है ना, ये ग्राइंडर हमारा गांव का ग्राइंडर है वो, इसमें मोटा भी मिलती है, ऑनलाइन में ये ग्राइंडर मिल रहे हो, इसमें बनाते ना इसलिए इतना सॉफ्ट मिल रहे हो। अभी सबके पास ये वेट ग्राइंडर बोलती है, वेट ग्राइंडर नहीं है ना, इसलिए मैं आपको अभी मिक्सर में कैसे बनाने का आपको मैं बोलते वो पलचन तिर फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये ग्राइंडर में बना के तो हम लोग उकड़ा तांदूर यूज करती है, ये जड़ा वाला तांदूर है, उकड़ा तांदूर बोलते है वो, इसलिए इडली सॉफ्ट आएंगे। अभी मैं मिक्सर में रेशन का तांदूर से आपको बना के दिखाते हूँ कैसे बनाने के लिए। ये उकड़ा तांदूर है ना, मिक्सर में बारीक नहीं होती है वो, मिक्सर खराब हो गया मैं, इसलिए मैं आपको रेशन का तांदूर में कैसे बनाने के आपके अभी मैं सिखाते हूँ। देखेंगे सुबह मैंने दोपहर को 1 बजे डाल के रखा है, अभी 6-7 बजे हो गया, अभी कैसे पीठ बनाने के लिए बोलते हूँ। देखिए फ्रेंड, अभी ये उरड़ दाल डालने का, थोड़ा सा डालने का, कभी भी पीठ बनाएंगे तो थोड़ा सा उरड़ दाल डालने का। देखो पाव मिक्सर में उरड़ दाल डालने के, पहले पानी मत डालने का, अभी थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा पानी डाल के अभी देखो इतना
पानी का बनाने का, सुबह घट्टा हो गया मैं इसलिए इतना लिक्विड का वैसे बनाने का, देखेंगे। अच्छा इतना, और डोसा डोसा पीट है ना ऐसा बनाने का, इतना देखो। अभी और बाकी उरट डाल, थोड़ा थोड़ा डालने का, नहीं तो मिक्सर खराब होती है, मिक्सर गर्म होती है फिर, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के पीट पीसने का, एकदम मत डालने का। तांदूर निकालने का, तांदूर थोड़ा सा डाल लेना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीट पीसने का, तांदूर भी अच्छा बारीक करने का। अभी अभी आप देखो, और चावल कैसे पीसने के लिए, अभी देखो, अभी पीट निकाल के तो ना हाथ से ऐसा करो, ये देखो इसमें चावल दिख रही है ना, और एक बार बारीक करने का। अभी देखिए फ्रेंड, चावल नहीं दिखती है, अभी देखो चावल नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या, नहीं दिखती है ना, ऐसा रेडी हो गया मैं पीट। उरड़ दाल में डालने का, आपको मैं 1 किलो का बनाया, आपको आधा किलो चाहिए तो आधा किलो को, 2.5 किलो 2.5 ग्लास तंदूर और आधा ग्लास उरद दाल डालने का, लेकिन 6 घंटा पानी में डाल के रखने का, रात को पीट पीसने का। रात को पीट पीसने का तो सुबह इडली इडली डोसा बनाने के लिए रेडी हो गया हमें। जल्दी मत बनाओ, आज रात को पीट पीसने के लिए रखो, कल सुबह इडली डोसा बनाओ, ठीक है। देखो और बाकी तांदूर का पीट, अच्छा से मिक्स करो। उरट दाल थोड़ा ज्यादा डालने का, उरट दाल अच्छा से पीसने का है। अभी देखेंगे कितना से अच्छा मिक्स करने का, देखो कितना बारीक मैंने पीट बनाया, देख सुबह गड्ढा हो गया मैं, अभी पानी का वैसे दिखती है, सुबह गड्ढा हो गया मैं, थिकनेस हो गया मैं सुबह, अभी लिक्विड में दिख रहे ना, सुबह देखने का तो अच्छा थिकनेस हो गया मैं। अभी देखो सॉल्ट, मेरे पास हम लोग जाड़ा मीट यूज करती है, आपके पास बारीक नमक तो वो भी ऐड करो, लेकिन जाड़ा मीट बहुत अच्छा है। आप भी यूज करो जाड़ा मीट खाने के लिए, खाना बनाने के लिए जाड़ा मिर्च बहुत टेस्ट लगती है, वो हेल्थी भी है। देखो अच्छा मिक्स करके उसमें ढक्कन डाल के रखने का, सुबह इडली डोसा बनाने का। देखो अभी ये ढक्कन डाल के रात को रखने का, सुबह इडली बनाने का, डोसा भी बनाने का। अभी सुबह हो गया मैं, पीट कितना ऊपर आया देखो, देखेंगे रात को कितना लिक्विड बनाया, अभी कितना गड्ढा हो गया देखो ना, तैयार है पीट, ये देख अभी मिक्स करने का। आप सब लोग को बोल रही है आपके पास नॉनस्टिक दवा है क्या डोसा बनाने के लिए, हमारे पास नॉनस्टिक दवा नहीं है, आप लोग चपाती बनाते हैं ना वही दवा है, इसमें अच्छा से डोसा आती है, देखेंगे
कभी भी डोसा बनाएंगे तो हाई फ्लेम में रखने का, हाई फ्लेम में। और ये कांदा कांदा है ना, कांदा को पीछे थोड़ा ऐसा कट करो, ऐसे निकाल के तेल में अच्छा ऐसा चीरने का, ऐसा अप्लाई करने का तेल। थोड़ा 2 मिनट में अप्लाई करो, 2 मिनट 1 मिनट में ऐसा अप्लाई करो। ऐसा अप्लाई करते ना आपको डोसा अच्छा आएंगे। एक दो डोसा अच्छा नहीं आए तो और वापस अच्छा आती है। कभी भी डोसा बनाएंगे तो ऐसा अप्लाई करो ऑयल। हम लोग तिल तेल, सेंगदाना तेल यूज़ करती है। आपको कौन सा तेल पसंद हो वही तेल यूज़ करो। अभी देखिए, ऐसा आधा बॉईल होने का टाइम तेल डालना है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर डाल के ऐसा निकालो। देखो कितना अच्छा से डोसा आया। डोसा ऐसा आती है और दूसरा डोसा अच्छा आएंगे। बस देखो मैं अप्लाई करने का तेल, इधर मुंजे हो चुके हैं। थोड़ा बॉईल होने का अभी तेल, हाई फ्लेम में रखने का डोसा बनाने के टाइम। कभी भी डोसा बनाएगा तो वही चमचा यूज करो। देखेंगे ये डोसा दाव में डोसा बनाने के लिए इजी होती है, इसलिए आप ऐसा यूज करो। ओके, ये वेरी वेरी